फेरीवुड की जादुई दुनिया विशेष शक्तियों वाले जादुई प्राणियों का घर थी। इसीलिए फेरीवुड हाई स्कूल जादू का स्कूल हमेशा सबसे प्रतिष्ठित स्थान रहा है, जिसका महत्वपूर्ण मिशन युवा शक्तियों को उनके जीवन में जादुई कौशल का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना है। उन लड़कियों को अपनी शक्ति को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सीखना चाहिए। हालांकि उस स्कूल में अभी भी असाधारण मामले थे, जैसे कि कैटी, एक उत्कृष्ट सुंदरता वाली लड़की, लेकिन जादुई क्षमताओं का अभाव था। ये मानते हुए कि हर बच्चे को सीखने का मौका मिलना चाहिए, विशेषकर कैटी जैसे अच्छी व्यवहार वाली और दयालु लड़की को प्रिंसिपल उसे स्कूल में प्रवेश देने के लिए सहमत हो गए। हालांकि कैरी को अभी भी खुद पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वो स्कूल में बाकी सभी लोगों से अलग महसूस करती थी। एक दोपहर जब वो खाने के लिए जगह तलाश रही थी, एक शरारती बच्ची ने उसके साथ मजाक किया और उसे कहीं भी जाने से रोक दिया। अचानक एल्फ को जादू तरीके से एक सुंदर राजकुमारी गाउन पहनाया गया, जिससे वो शर्मिंदा हो गई और वहां से भाग गई। वे फेरी मीनीज हैं, एक समूह जिसमें फेरीवुड हाई की तीन सबसे सुंदर, स्टाइलिश और प्रसिद्ध लड़कियां शामिल हैं। मनमोहक परी कैरन ने सबसे चमकदार कपड़े बनाए, लेकिन वो बहुत स्मार्ट नहीं थी। अगली एल्फ ग्रेचिन है, जो स्कूल में हर अफवाह को सुन सकती है। अंत में द वैम्पायर क्वीन रेजिना, हेयर फेयर करने और मंत्रमुग्ध करने की क्षमता के साथ किसी ने भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। रेजिना को कैंडी सुंदर लगी और उसने जादू की कमी के लिए खेद महसूस करते हुए एक विचार लेकर आई। फेरी मिनीज की गर्मजोशी, दयालुता और सुंदर उपस्थिति ने कैडी को उनसे दोस्ती करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बढ़िया, कल मिलते हैं। गुलाबी पहनने के अलावा लड़कियों को हमेशा एक दूसरे के साथ कहानियां साझा करनी चाहिए और एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। फेरी मिनीज के साथ खेलते हुए कैडी को उत्साही देखभाल और समर्थन मिला, जिससे उसे एक फैशनेबल और ट्रेंडी व्यक्ति में बदलने में मदद मिली। चारों हमेशा एक साथ मस्ती करते और अपनी कहानियां साझा करते। धीरे धीरे कैडी अनुकूलित और परिवर्तित हो गई और अधिक सुंदर और आत्मविश्वासी बन गई। फिर किसी को इसकी परवाह नहीं है कि कैडी के पास अब जादू नहीं है। हर कोई उसकी प्रशंसा करता और कई लड़के उसका पीछा करना चाहते। हालांकि कैडी के मन में गुप्त रूप से एक अन्य लड़के, सुंदर और मजबूत एरन के साथ भावनाएं थी। स्कूल के लोगों ने एरन और कैडी को करीब आते देखा और उनके रिश्ते के बारे में अफवाहें पूरे स्कूल में फैल गईं। और हमेशा की तरह अफवाह जल्दी ही ग्रेचिन के कानों तक पहुंच गई। उसने जल्दी से परी मिनीज को बात करने के लिए इकट्ठा किया। को पसंद करती हो, ये सच है? तुम लोग पहले से ही जानते हो, वो एरॉन है। ओ माय, वो एरॉन है? वो रेजिना का एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उस स्थिति ने कैडी को असहज कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी भावनाओं से रेजिना को ठोस पहुंचे और उनकी दोस्ती प्रभावित हो। रेजिना की दयालुता से प्रभावित होकर कैडी को बहनों के उस समूह के प्रति और भी अधिक स्नेह महसूस हुआ। एरन के करीब आने के लिए कैडी ने कक्षाओं के बाद एरन के पास आकर और उसका पीछा करके उन दोनों के लिए अधिक निजी समय बनाने की कोशिश की। उसके बाद कैडी ने एरन के करीब आने में समय बिताना जारी रखा। दोनों ने खूबसूरत भावनाएं साझा की और कैडी ने अपने प्यार को कबूल करने का फैसला किया। जिस दिन कैडी ने कबूल करने की योजना बनाई, उसने फेरी मिनीज में ठीक उसी समय कबूल किया जब रेजिना अभी तक नहीं आई थी। इसीलिए केवल कैरन और ग्रेचिन को ही पता था। दोनों ने शुरू में उसका समर्थन किया, लेकिन अचानक ग्रेचिन ने एक अजीब अफवाह सुनी। देखो,
फिर से रेजिना को डेट कर रहा है। ग्रेचन ने तुरंत कैडी को सफवा के बारे में बताया जो उसने अभी सुनी, जिससे उसे एरन के सामने कबूल करने से रोक दिया गया। कैडी ने अफवाह पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उसने रेजिना को एरन से हाथ मिलाते हुए देखा। ठगा हुआ महसूस करते हुए कैडी क्रोधित हो गई और रेजिना से भिड़ जाती है और पूछती है कि उसने अपने पिछले शब्दों को क्यों बदल दिया। वही पुनः प्राप्त कर रही हूँ जो मेरा है। कैडी कैडी के साथ कुछ समय बिताने के बाद वो और अधिक सुंदर हो गई और किसी विशेष योग्यता की कमी के बावजूद लोग उसे पसंद करने लगे। इसे रेजिना नाराज हो जाती है और फेरीवुड हाई में नेता के रूप में अपनी स्थिति को खतरा महसूस करने लगती है। इसीलिए कैडी को तबाह और दुखी महसूस कराने के लिए रेजिना एरन की उसके प्रति भावनाओं में हेर फेर करती है। कैडी इस पर विश्वास नहीं कर सकी और उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया उसने रेजिना का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे उसे दर्द होने लगा। तिथि का फायदा उठाते हुए रेजिना ने कैडी को धक्का दे दिया और उसे फंसाने के लिए जमीन पर गिरने का नाटक किया। कैडी इस तरह गुस्सा मत हो। पसंद नहीं करता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छात्रों ने देखा कि कैडी ने आक्रामक तरीके से रेजिना को नीचे धकेल दिया, जिससे उसके खिलाफ उत्पीड़न की लहर फैल गई। उस दिन से कैडी ने फेरी मिलीज के साथ नहीं खेला और रेजिना के साथ हुई दुर्घटना के कारण कोई भी उसके पास नहीं रहना चाहता था। उस समय वो अधिक आश्वस्त थी कि अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचते हैं। इस घटना को हाल में ही स्प्रिंग सीलिंग उत्सव के रूप में जल्दी ही भुला दिया गया, वो दिन जब फेरीवुड हाई उस लड़की को वोट देगा जो सभी को सबसे अधिक पसंद होगी, जो तब रानी बनेगी और जादुई मुकुट की अधिकारी होगी। इस रानी की उपाधि के लिए रेजिना सबसे इच्छुक व्यक्ति थी। रानी बनने के लिए उसने प्रशिक्षण लेने, कम कैलोरी वाला आहार लेने और अपना ख्याल रखने की कोशिश की, क्योंकि प्रतियोगिता के लिए निष्पक्षता की आवश्यकता थी। प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल पर जादू कर दिया और त्योहार के दिन तक सभी छात्रों को जादू का उपयोग करने से रोक दिया। कैडी ने खुद को सशक्त बनाने के लिए और आंशिक रूप से आशा करने के लिए कि लोग उसके वास्तविक स्वरूप को बेहतर समझेंगे, स्प्रिंग सीलिंग में भाग लेने का निर्णय लिया। त्योहार के दिन सभी ने शानदार कपड़े पहने और उत्साह के माहौल का आनंद लिया और फिर रात का सबसे प्रतीक्षित क्षण आ गया। फेरीवुड हाई में दो सबसे खूबसूरत लड़कियों की उपस्थिति के साथ पुरस्कार समारोह जैसा कि अपेक्षित था रेजिना और कैडी के बीच में रहा। बधाई हो कैडी। परिणाम सुनकर रेजिना हैरान रह गई। उत्सव से पहले रेजिना के अजीब व्यवहार ने कैडी को संदेहास्पद बना दिया और वास्तव में रेजिना द्वारा परिणामों में हेरफेर कर दिया गया। कैडी ने ठान लिया कि उस समय वो खुद को वंचित नहीं होने देगी। रेजिना क्रोधित होकर कैडी से मुकुट छीनने के लिए दौड़ी। कैडी को रेजिना ने घेर लिया। जैसे ही रेजिना ने कैडी पर हमला किया, वो हमले से बचने में कामयाब रही, लेकिन रेजिना को आगे बढ़ा दिया गया। उस समय कैडी, जो अभी भी दयालु थी, उसने रेजिना की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन रेजिना ने लालच से प्रेरित होकर ताज हथियाने की कोशिश की। दर्शकों ने पूरी घटना देखी और रेजिना के खिलाफ जमकर नारे लगाए। रेजिना दुष्ट है, वो स्प्रिंग सीलिंग क्वीन बनने के योग्य नहीं है। भीड़ के विरोध ने रेजिना को क्रोधित कर दिया, जिससे उसे अपनी शक्ति का उपयोग हेर फेर करने और सभी को चुप कराने के लिए करना पड़ा। कैडी को रेजिना के इरादे का एहसास हुआ और उसने तुरंत रेजिना को विफल करने के लिए गाउन से जादू का इस्तेमाल किया। प्रिंसिपल ने तुरंत रेजिना की शक्तियों को फिर से सील कर दिया और जादुई मुकुट पुनः प्राप्त। कैडी सबसे प्रसिद्ध लड़की और सभी के लिए आदर्श लड़की का प्रतीक बन गई।
रेजिना को जादू का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। हर किसी ने उससे परहेज किया और स्प्रिंग सीलिंग उत्सव के बाद उसे उपहास का सामना करना पड़ा। अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा दुष्ट रेजिना। अचानक शरारती एल्फ ने एक सुंदर राजकुमारी की पोशाक पहनी जिससे वो शर्मिंदा हो गया और एक बार फिर भाग गया। हालांकि रेजिना ने खराब व्यवहार किया था, अब उसे इन दोस्तों से मदद मिली जिससे रेजिना प्रभावित हुई। मैंने जो भी स्वार्थी काम किए हैं इसके बाद भी तुम मुझे माफ करती हो? हर कोई गलतियां करता है रेजिना, महत्वपूर्ण ये है कि हम उन्हें स्वीकार करें और बेहतर बनने का प्रयास करें। मुझे अपने बुरे व्यवहार के लिए खेद है, क्षमा चाहती हूँ। आखिरी बार जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली थी तब से लगभग एक साल हो गया है और मैं केवल अपने थोड़े से भत्ते से ही गुजारा कर सकती हूँ, क्योंकि कई बार दिल टूटने और सहकर्मियों द्वारा मजाक किए जाने के बाद मुझमें इतना साहस नहीं है कि मैं वहाँ जाकर किसी से संपर्क कर सकूँ, और केवल हास्य पुस्तकें ही मेरी आहत आत्मा को शांत कर सकती है। मैंने एक और कहानी पढ़ी, 100वीं या 200वीं कहानी, कुछ ऐसी जो मुझे अब याद नहीं है। बहुत परेशान किया, उन्होंने मेरे नाम से एक किरदार को खलनायक बना दिया। राजकुमारी डायना एस्टर के पास बुद्धि को छोड़कर सब कुछ था, वो मूर्ख थी। उसने एक ऐसे राजकुमार के लिए लड़ने के लिए सब कुछ कर दिया जो उससे प्यार ही नहीं करता था, फिर उसे इसके लिए काली कीमत चुकानी पड़ी। अगर मैं डायना होती, रुको, क्या ये खून है? मेरा सिर फिर दर्द करने लगा। मेरी ये स्थिति बहुत समय तक बनी रहती है, लेकिन मैं बाहर अस्पताल भी नहीं जाना चाहती। राजकुमारी, क्या आप ठीक है? क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? भगवान का शुक्र है, राजकुमारी जाग गई। उस बदबूदार गुलाम ने आपसे बदतमीजी से टकराने की हिम्मत की, कृपया उसे कड़ी सजा दे। वो मुझे हमेशा राजकुमारी कहती है, वो पृष्ठभूमि प्राचीन है, मैंने शायद उसे कहीं देखा है। राजकुमारी डायना, क्या तुम ठीक हो? कृपया मुझे क्षमा करें, मैं उस उद्दंड नौकर को कठोर सजा दूंगा। उसने मुझे सिर्फ राजकुमारी डायना कहा। रास्ता है, किसी तरह मैं किताब के पास गई और इस राज्य की सबसे धनी व्यक्ति काउंटर एस्टर की बेटी राजकुमारी डायना एस्टर बन गई। बढ़िया, अब मुझे बस समृद्ध जीवन का आनंद लेना है और ऐसे व्यक्ति से डरना नहीं है जो मुझे धमकाएगा। ठीक है, तो हम जल्दी से वापस आए और आज दोपहर की चाय पार्टी की तैयारी करें। ठीक है, सब कुछ इसी चाय पार्टी से शुरू होगा। डायना राजकुमारी बेजल से भी प्यार करने लगेगी, लेकिन वो केवल उसकी चचेरी बहन सेलेना से प्यार करता है। नहीं, एक समृद्ध जीवन जीना वाकई कठिन है, मैं इसे इतनी जल्दी से खत्म नहीं होने दूंगी। फिर अगर मैं उसे नहीं मिलूंगी तो तिजोरी का सारा सोना यहाँ ले आओ। सारा सोना? लेकिन किस लिए? आज मैं चैरिटी के लिए जाऊंगी। तो चाय पार्टी कैसे रहेगी? मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, ठीक है? उस नौकर के बारे में, उसे वापस खरीद लो और माफ कर दो। अविश्वसनीय, बहुत सारा सोना, यहाँ तक कि ये अब तक तिजोरी का आधा हिस्सा है। मैंने उसे देने में पूरा दिन बिताया, लेकिन ये खत्म ही नहीं हुआ। और एस्टर परिवार के पास अभी भी 20 और तिजोरियाँ हैं। एस्टर परिवार की संपत्ति के बारे में तो मुझे भी पहले से पता था, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में सोना देखकर मैं अब भी हैरान रह जाती हूँ। राजकुमारी, काउंट अभी आपसे मिलना चाहते हैं। क्या वो यहाँ क्यों आए हैं? कॉमिक बुक में उपस्थिति का उल्लेख किया गया था। जब कहानी का अनुसरण नहीं करती तो क्या कोई नई चीज घटित होती है? शायद मुझे चाय पार्टी में शामिल न होने और यहाँ तक कि सोना बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराने के लिए आई थी। अब मैं क्या करूँ? या मैं पहले स्वीकार कर लूँगी, फिर बाद में योजना बनाऊंगी। डायना, माय काउंट, मेरा मतलब है पिताजी, मुझे चाय पार्टी में शामिल न होने और आपके पैसा बर्बाद करने के लिए खेद है। आपने अभी अभी क्या कहा? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, उससे पहले आपने मुझसे क्या कहा था? मेरे पिताजी। इतना ही? बहुत समय हो गया जब आपने आखिरी बार मुझे पिता कहा था, मेरी अच्छी बेटी। और इसके बारे में? ओ, अगर आप नहीं चाहते तो आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जब आपने नागरिक के लिए सोना दे दिया तो आपने बहुत अच्छा काम किया। एस्टर परिवार की प्रसिद्धि और फैलेगी और ये हमारे अन्य व्यवसायों के लिए अच्छा है। तुम सचमुच परिपक्व हो डायना, स्वर्ग में आपकी माँ को आप पर बहुत गर्व होगा। हाँ पिताजी। ठीक है, बहुत देर हो गई है, थोड़ा आराम कर लो मेरी बेटी। मैं भूल गई कि काउंट वास्तव में राजकुमारी डायना को बहुत लाड़ प्यार देते हैं, शायद इसलिए वो इतने बेकाबू है। यदि ऐसा है तो मैं यहाँ आराम से आनंद ले सकती हूँ। मुझे एक साधारण लड़की से एक
शक्तिशाली राजकुमारी बनने में लगभग 1 साल मुझे बर्बाद कर सकता है। मुझे खुद को कई अलग अलग कामों में व्यस्त करना होगा। इसके लिए धन्यवाद, मैं कई महत्वपूर्ण रिश्ते और व्यवसाय भी बना सकती हूँ जो एस्टर परिवार के लिए वास्तव में सहायक है। नगरीय क्षेत्र में एक राजनीतिक पार्टी में भाग लेने के बाद वापस आ रही हूँ। मैं वास्तव में गांव की भावना को देखने के लिए उत्सुक हूँ। जब मैं उसके लिए कुछ बड़े अनुबंध लेकर आई हूँ। क्या गलत है, तुम यहाँ क्यों रुकी? हम अभी तक नहीं पहुँचे। कौन है, आप क्या करना चाहते हो? कौन है? वे हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, है ना? निश्चिंत रहे, शायद उन्हें सिर्फ पैसों की जरूरत है। नमस्कार, मैं चचेरी बहन सलीना। तुम क्यों? बहुत समय से मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लड़ा। तुम राजकुमार बेजल से शादी करने वाली हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप मुझसे किसी भी चीज के लिए नहीं लड़ते हैं, क्योंकि तुम एक बेहतर इंसान बन गई। इसलिए मुझे ये भयानक और बुरा काम करना पड़ा। ये काम तुम्हें ही करने हैं, मुझे नहीं। क्या तुम पागल हो सलीना? आप सचमुच उस दिन को याद करते हैं जब आप कुछ भी नहीं थे, है ना? सही। हालांकि एस्टर कूलिन परिवार में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपकी छाया हूँ। मेरे हाथ में कोई शक्ति नहीं है। मैं बस दूसरों द्वारा संरक्षित होने के लिए अपनी कमजोरी दिखा सकती हूँ। हमेशा मुझसे हर चीज के लिए लड़ती हो, लेकिन अपनी जरूरत के लिए नहीं। इसलिए कि तुम जीत का एहसास करना चाहती थी, तो मुझे राजकुमार से शादी करनी होगी, जिससे मेरे पास अपना एक पद होगा। मुझे हमेशा ये चिंता रहती है कि तुम उसे मुझसे चुरा लोगी। सौभाग्य से आपका ऐसा करने का इरादा नहीं था। मैं वास्तव में खुश थी और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। शांति, हाल ही में राजकुमार मेरे प्रति उदासी होने लगे। इसके बजाय वो वास्तव में आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों में रुचि रखता है। यहाँ तक कि वो मेरे साथ अपनी शादी भी रद्द करना चाहता था। तो मुझे तुम्हें गायब करना होगा और फिर राजकुमार मुझसे प्यार करेगा। मूर्ख हो सलीना, यदि तुम मुझे हानि पहुँचाओगी तो गांव तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। किस लिए? आपको लुटेरों ने गलती से नुकसान पहुँचाया था। इस बीच मैं अभी भी बीमार हूँ और बिस्तर पर पड़ी हूँ। तुम बहुत चालाक हो, तुमने इस दिन के लिए तैयारी की थी, इसलिए तुमने बीमार होने का नाटक किया। बहुत हो गई बातें, अलविदा मेरी प्यारी बहन। इसे आगे करो। उन सभी को पकड़ लो। राजकुमारी, कोई है जो हमें बचाने आया है। सही, उन सभी को पकड़ो। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी और राजकुमारी डायना का अपमान करने की? सलीना अभी भी है। चलो देखते हैं कि काउंट आप सभी को कैसे दंडित करेगा। राजकुमारी एस्टर, तुम कौन हो? तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार एल्विन हूँ। क्या आपको ये गुलाम याद है जिसने आपको 1 साल पहले बचाया था? क्या तुम वो गुलाम हो? लेकिन सब कुछ वैसा कैसे हो सकता है? 1 साल पहले मैंने नई चीजें खोजने के लिए हर जगह यात्रा की। दुर्भाग्य से मुझे बुरे लोगों ने लूट लिया। उन्होंने मुझे तस्करों को भी बेच दिया। अगर उस दिन तुमने मुझे नहीं बचाया होता, सौभाग्य से बाद में जब मैं शहर जा रहा था तो मुझे उनके इरादों का पता चला। ठीक है, कॉमिक बुक में मुझे याद है कि डायना ने उस वर्ष उस दास को दंडित किया था। बाद में जब वो फिर से राजकुमार बना तो वो वापस आया और राजकुमार बेजल के साथ साथ डायना को भी दंडित किया। सौभाग्य से मुझे उस समय दया आ गई और मैंने उसे मुक्त कर दिया था। मैं इस खतरनाक स्थिति से बच सकती हूँ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद राजकुमार। मैं पहले ही आपका एहसान चुका चुका हूँ। ऐसा लगता है कि आपका हाथ घायल हो गया है, मुझे मदद कीजिए। राजकुमार गोल्डन के संरक्षण में मैं सुरक्षित घर वापस आ सकी। लेकिन मैं सलीना को उसके उपहार के तौर पर राजकुमारी बेजल को सौंपती हूँ। उसके जैसे पागल है, परिणामों के लिए सोचना चाहिए जो उसे भुगतने होंगे। राजकुमारी, राजकुमारी, अच्छी बात नहीं है। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने अभी सुना कि राजकुमार ने सेलिना का कुलीन सम्मान छीन लिया और उसे दासी के रूप में बेच दिया। बिल्कुल नहीं, जल्दी से उन्हें रोको। उन्हें सेलिना को बेचने न दो। मैं जाकर राजकुमार से पूछूंगी। राजकुमार बेजल किस प्रकार की व्यक्ति है? क्या ऐसा नहीं है कि वो रिश्तों को महत्व देने वाली व्यक्ति है? वो क्रूर क्यों हो सकते हैं? ओह, राजकुमारी डायना एस्टर से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? चाहे कुछ भी हो, सेलिना एस्टर परिवार की एक कुलीन लड़की है। क्या आप उसे गुलाम बनाकर उसकी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। मैं सिर्फ नियम का पालन करता हूँ।
अगर आप इतने दयालु हैं तो मैं आपको निर्णय लेने दूंगा, ठीक है। इसके बारे में बात करना बंद करें, मुझे तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है। ये हमारी शादी के बारे में है। क्या, कौन सी शादी? आपको बताने का मौका ना मिलने के लिए क्षमा करें। शाही परिवार और एस्टर परिवार ने पहले सगाई की व्यवस्था की थी, लेकिन तुम हमेशा मुझसे बचती रही। बस इसी वजह से सलीना को मेरे पास आने का मौका मिला, लेकिन मेरा उसके साथ कोई जुड़ाव नहीं है। मैं बस आपकी प्रशंसा करता हूँ, मेरी खूबसूरती और प्रतिभाशाली राजकुमारी सलीना। यहाँ कोई सगाई बिल्कुल नहीं होगी। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है। अलविदा। राजकुमारी डायना, आप मुझे दुख क्यों पहुँचाती है? तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? बेशक मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें इनकार करने की अनुमति नहीं है डायना। क्या, एक व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसे दिखती है? मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चिंत रहे, मैं बस शादी खत्म होने तक उसे तुम्हारी जगह लेने देता हूँ। वैसे भी मुझे आपका व्यक्तित्व ज्यादा पसंद है। राजकुमारी डायना को थोड़ा आराम करने के लिए उसके कमरे में वापस ले जाए, उस पर नजर रखना याद रखे। अविश्वसनीय, आखिर इस कहानी में क्या चल रहा है? क्या ऐसा कोई तरीका है कि जब कोई मुख्य खलनायक न रह जाए तो मुख्य पात्र भी धीरे धीरे बदल जाए? अगर ऐसा है तो इस बार मैं इसका सामना करने की कोशिश करूंगी। बस एक छोटी सी चाल है और मैं उन्हें खुद बना सकती हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। राजकुमारी डायना, मैं गैल्विन हूँ। राजकुमार गैल्विन, आप यहाँ क्यों हैं? बाद में मैं काउंट एस्टर से मिलने के लिए वहाँ से गुजरा। वैसे मैंने उनसे आपके बारे में पूछा और मुझे पता था कि आप महल में होंगे। और जब आप वापस आए तो मैंने राजकुमार बेसिल के साथ जाते देखा। वो लड़की ऐसी नहीं लग रही थी कि वो मुझे जानती हो, और उसके हाथ पर कोई घाव भी नहीं था। बेसिल उस नकली का उपयोग मेरे और उसके बीच शादी करने के लिए करना चाहता है। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करता है। ये एस्टर परिवार का सोना है। शाही शादी का बजट जल्द ही बर्बाद हो गया था। वर्षों पहले राजा ने हमसे बड़ी मात्रा में सोना उधार लिया था और अब उसे भुगतान करने का समय आ गया है। तो सबसे पहले उसने सलीना पर निशाना साधा, क्योंकि उसे लगा कि उसका फायदा उठाकर सोना हासिल करना आसान होगा। इसलिए उसने मुझ पर निशाना साधने का निश्चय किया। हमें उसे जल्द ही रोकना होगा। महिला, क्या चल रहा है? महिला जागो, क्या मुझे सुन सकते हैं? क्या गलत है? ये मेरा कमरा है। क्या कोई रास्ता है? जो मैंने अभी अनुभव किया है वो महज एक सपना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये असली था। क्या आप ठीक हैं? बाद में डिलीवरी मैन को पता चला कि आप बेहोश हो गए हैं, इसीलिए मुझे बिना अनुमति के आपके कमरे में प्रवेश करना पड़ा। तुम कौन हो? ओह, मैं गैल्विन हूँ, एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर। मैं अभी यहाँ आया हूँ, आपके बगल के कमरे में हूँ। किताब, मेरी कॉमिक बुक कहाँ है? अरे रुको, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। सचमुच वो कोई सपना नहीं था। कहानी की रेखा बदल दी गई है। बेसिल को गद्दी से हटा दिया गया और दंडित किया गया। एस्टर नोबल शाही परिवार को उस कठिन दौर से उभरने में मदद करने के लिए सहमत हुए। राजकुमारी डायना और राजकुमार गैल्विन को एक दूसरे से प्यार हो गया। मैंने अभी एहसास किया कि टालना कभी भी सबसे अच्छा समाधान नहीं है। फिर मैं वहाँ जाऊँगी और इसका सामना करूँगी। और गैल्विन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Di kerajaan yang jauh, pria maupun wanitanya memiliki rambut panjang dan tergerai. Itu karena, semakin panjang rambut mereka, semakin kuat sihirnya. Izinkan aku memperkenalkan Tiffany, wanita dengan rambut terpanjang dan paling indah. Hanya mereka yang sudah menonton channel Wow Fairy Tales yang bisa lebih cantik darinya. Siapa yang bisa lebih cantik dariku? Jadi, Tiffany memiliki rambut paling ajaib di kerajaan di seluruh wilayah kerajaan. Tiffany menggunakan rambutnya untuk melakukan trik mencolok dan menarik perhatian. Dia dan orang-orang kerajaan memandang rendah mereka yang berambut pendek, bukan rambut ajaib. Dulu, Tiffany menggunakan rambutnya untuk membantu orang seperti yang disarankan oleh ibunya. Jangan ragu untuk mengorbankan rambutmu untuk menyelamatkan orang yang kau cintai. Namun setelah kematian ibunya, karena persekongkolan orang berambut pendek, Tiffany berubah. Dia berubah menjadi suka pamer dan sangat menjengkelkan. Anehnya, orang-orang masih memujanya. Banyak pemuda yang melamar Tiffany. Namun, dia hanya tertarik pada Pangeran Ryder. Dia segera menjadi putri berambut panjang.
Kesombongan Tiffany semakin menjadi-jadi. Dia membuat tim pelayan hanya demi untuk merawat rambut ajaibnya. Ramuan perawatan rambut terbaik hanya diperuntukkan baginya. Tiffany memaksa Ryder untuk mengadakan pesta setiap minggu agar dia dapat memamerkan rambutnya. Lihatlah ini, lihatlah pancaran sinar indah dari rambutku. Meski begitu, Ryder tetap memanjakan istrinya. Namun semuanya berubah saat Tiffany mengalami kecelakaan. Ini tidak mungkin terjadi, bukan? Saat sadar, putri berambut panjang itu telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada nyawanya. Apakah kau sudah sadar? Apa yang kau lakukan pada rambutku? Siapa kau sebenarnya? Aku Tonsor. Aku menemukanmu tersesat di hutan ini, Yang Mulia. Saat itu, rambutmu sudah hilang. Aku harus membawamu ke sini. Di mana? Di mana ini? Ini kampung rambut pendek. Apa? Aku harus tinggal di sini? Jika kau kembali, mereka akan membuangmu. Jangan harap mereka akan mengenali dirimu. Dia tidak bersalah. Rambutkulah yang rontok. Dengan enggan, Tiffany menerima tawaran dari pemuda itu. Untuk tinggal di sini, Tiffany harus bekerja, benar-benar bekerja, bukan hanya menggunakan rambut ajaibnya. Tentu saja, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena tidak suka bertani, Tiffany mulai melayani orang-orang berambut panjang. Dan dia benar-benar tidak tampil dalam hal apapun. Bagaimana bisa menyisir rambut menyebabkan kebakaran? Meski mengalami kesulitan, Tiffany tidak berani pulang. Dia terlalu malu dan tidak ada yang mengenalinya. Apakah kau dipecat lagi? Ayo bekerja bersamaku. Namun, sebelum dia bisa memulai... Kau pendatang baru ya? Lihatlah itu, rambutmu bahkan tidak sepanjang ekor kuda. Baru pada saat itulah, Tiffany menyadari betapa dia dulu sangat keterlaluan. Anehnya, Tonsor membela dia. Dia bahkan rela kehilangan pekerjaan untuk menyelamatkan Tiffany. Tiffany sadar bahwa dia telah salah memahami orang-orang berambut pendek. Dipersatukan oleh kurangnya sihir, mereka saling membantu dengan sukarela. Tonsor dan orang-orang berambut pendek khususnya banyak membantu Tiffany. Oh, siapa yang meminta bantuan? Lambat laun, terbentuklah hubungan antara keduanya. Suatu hari, Tiffany harus sendiri mengunjungi ibu kota. Tidak ada yang mengenalinya sebagai putri berambut panjang. Dan dia melihat mantan suaminya, Ryder. Namun dia tampak berbeda. Mengapa rambut itu terlihat aneh? Tapi aku mengenalinya. Apa itu rambutku? Kau yang mencuri rambutku? Bukankah itu sang putri? Benar, wajah itu wajahnya sang putri. Tentu saja, Tiffany langsung ditangkap. Aku tidak menyangka ternyata kau masih hidup. Ternyata, Ryder sudah hidup lama sekali. Dia mencuri rambut indah untuk menjaga masa mudanya. Karena Tiffany sangat terkenal, dia menipunya agar mau menikah demi memenuhi rencana jahatnya. Aku pernah memiliki rambut ibumu, tapi milikmu jauh lebih baik. Rambut pendek itu telah menyakiti ibuku. Seperti itu, bukan? Aku mempekerjakan orang-orang itu. Kali ini tidak ada bedanya. Tonsor itu seharusnya mengakhiri hidupmu. Dengan begitu, rambut itu akan menjadi milikku. Setelah aku sudah cukup kuat, aku akan benar-benar menguasai sihir rambut kerajaan.
Ryder menggelar persidangan publik terhadap Tiffany untuk mengelabuhi orang-orang. Wanita berambut pendek ini telah menyakiti istriku, mencoba meniru identitasnya. Kita akan ajukan tuntutan. Segera jatuhkan hukuman. Tidak ada alasan. Hentikan! Tonsor tiba-tiba muncul, membeberkan semua kesalahan Ryder. Rambut itu persis sama dengan rambut sang putri sebelumnya. Aku langsung mengenalinya. Ini sebuah pemalsuan. Dan setelah itu, rambut semua orang akan menjadi milikku. Dan kau juga. Tonsor turun tangan, bergegas membantu Tiffany. Namun dia harus menukar nyawanya demi nyawa Tiffany. Tonsor! Ingatkah kau, Tiffany? Kita sudah saling mengenal satu sama lain sejak lama. Kaulah yang menyelamatkanku. Aku mencintaimu sejak saat itu. Aku memotong rambutmu, menipu sang pangeran, dan menyembunyikanmu. Maafkan aku. Maafkan aku. Tidak! Tidak! Ajaibnya, perasaan Tiffany memicu keajaiban pada rambutnya. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Rambutnya menolak Ryder dan kembali pada Tiffany. Namun, sihir baru itu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Tonsor. Jangan ragu mengorbankan rambutmu untuk menyelamatkan orang yang kau cintai. Tiffany memutuskan untuk mengorbankan seluruh rambutnya untuk menarik kekuatan penuhnya. Tiffany? Meskipun rambutnya rontok, Tiffany telah menyelamatkan pria yang dicintainya. Dan dia telah mengubah pola pikir seluruh kerajaan. Kedua pasangan manusia berambut pendek ini telah menyelamatkan seluruh kerajaan. Sejak itu, orang-orang berambut panjang dan pendek mulai hidup bersama secara damai. Adapun Tiffany, dia sudah dewasa dan menjadi penguasa yang syah. Dan anehnya, rambutnya mulai tumbuh lagi. Sehingga dia bisa menggunakannya untuk membantu kerajaan sekali lagi.